नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सालवी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद पर हूँ। मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा टॉपिक है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल की जानकारी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंबा रुमाल जो है वो एम्ब्रॉयडरी का एक फॉर्म है जो 18th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रीजन में किया जाता था। चंबा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, और ये हैं चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, गुलेर, मंडी, सुकेत। और ये जो क्राफ्ट है ये एक तरह की गवाही देता है कि ये इलाइट एंड फोक आर्ट है। ये एक लैंग्विशिंग क्राफ्ट है चंबा का, जो एम्ब्रॉयडर्ड रुमाल होते हैं। और पहले के टाइम में रॉयल एंड इलाइट वुमेन्स जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, इनको बनाती थी और वो अपनी एक तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज देती थी। और दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रेन्ड बाय मिनिएचर आर्टिस्ट, और मिनिएचर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। ये जो मिनिएचर आर्टिस्ट होते हैं ये चंबा रुमाल की थीम को ना केवल बनाते हैं, साथ ही साथ वो उसको एम्ब्रॉयडर भी करते हैं। और जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो चारकोल से बनाया जाता है, आफ्टर दैट इसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और ये जो चंबा रुमाल है वो बहुत ही सफिस्टिकेटेड कलर पैलेट के द्वारा बनाया जाता है, जिसपे मिनिएचर आर्ट किया जाता है। चंबा के लोकेशन को अगर हम देखें स्लाइड में, मैंने आपको एक मैप से समझाया है इसकी लोकेशन को, और ये नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की में पाया है चंबा रुमाल। और ये 16th सेंचुरी में पाया गया था और ये सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है इंडिया की। चंबा की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रिच है, और इसमें मेटल क्राफ्ट, मिनिएचर पेंटिंग, वीविंग, लेदर वर्क, वुड कार्विंग, बास्केटरी एंड ज्वेलरी मेकिंग इंक्लूडेड है। ट्रेडिशन की अगर बात करें तो ट्रेडिशन का इसका एक बहुत ही, इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये जो रुमाल है वो गर्ल की शादी में, लड़की की शादी में बनाया जाता था और इसको एम्ब्रॉयडर किया जाता था एज अ कस्टमरी। और इसके जो सब्जेक्ट होते थे वो वेडिंग सीन्स होते थे जो बहुत ही पॉपुलर थे, और इसकी एम्ब्रॉयडरी रिपीटेड एम्ब्रॉयडरी थी। ये हैंडीक्राफ्ट है और इसको डाउरी का, दहेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम माना जाता था वहाँ की चंबा के लोगों द्वारा, और वॉज डिपेंडेंट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, ये इसके एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट था। और सोशल कस्टम से बहुत ही कनेक्टिविटी थी इसकी, और वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कोई भी मैरिज सेरेमनी इसके बिना संभव नहीं थी, और चंबा रुमाल जो था वो वहाँ मैरिज सेरेमनी में आए हुए लोगों को गिफ्ट किया जाता था एज अ सिंबल ऑफ मैरिज। रॉ मटेरियल इसमें ट्रेडिशनली जो यूज़ किए जाते हैं चंबा रुमाल में वो खद्दर फैब्रिक यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक है। और इसमें हैंडस्पन और हैंडवोवन अनब्लिच मसलिन और मलमल भी यूज़ किया जाता है। खद्दर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लो कॉस्ट फैब्रिक है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। खद्दर फैब्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ किया जाता था। थ्रेड्स इसमें अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं, सिल्क यान इसमें यूज़ किए जाते हैं। और इसकी जो स्टिच होती है उसको दो रुखा कहा जाता है, जो टू स्टिच इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये एक तरह का अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड होता है जो सियालकोट, अमृतसर और लुधियाना में बनाया जाता है, और ये सेम थ्रेड ही पंजाब में फुलकारी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। निडल का आप देख सकते हैं, मैंने स्लाइड में आपको बताया है कि किस तरह से इसमें निडल यूज़ की जाती है, किस तरह की मेटल निडल है, आगे से किस तरह से पॉइंटेड है ये। स्टिचेस जो है वो चंबा रुमाल के जो एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस हैं वो दो रुखा डबल साटन स्टिच इसमें है। और दो रुखा जो नेम मैंने आपको पहले की स्लाइड में समझाया था कि
टू साइड्स मतलब टू स्टैक्स होते हैं, दो रुख होते हैं। रुख एक तरह का हिंदी का वर्ड है। ये जो स्टिच है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से क्लोथ को कवर करती है, और ये एक रिवर्सिबल क्लोथ का पैटर्न बनाती है जो दोनों तरफ से होता है। इसकी जो साइड्स होती है वो फ्लैट होती है, और जो कलर्स होते हैं वो मिनिएचर पेंटिंग के द्वारा फिल किए जाते हैं, और इसकी कोई भी नॉट विजिबल नहीं होती है, और जो रुमाल होता है वो दोनों साइड से देखा जा सकता है, इसीलिए इसको एक तरह से रिवर्सिबल फैब्रिक भी कहते हैं। डांडी टाका जो है इस एक तरह का स्टेम स्टिच है, इसको ये ट्रेडिशनल नाम है डांडी टाका, जो वहाँ हिमाचल के लोगों द्वारा कहा जाता था। इसको कैसे बनाया जाता है, एक तरह की आउटलाइन ब्लैक थ्रेड से इसको बनाया जाता है, जो चंबा रुमाल में एक कैरेक्टरिस्टिक को मार्क करती है, और ये एक कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक है चंबा रुमाल का। आफ्टर जब हम इसके फिलिंग कर देते हैं कलरफुल थ्रेड से, और जो फिगर जो बनते हैं वो फ्लोरल डिजाइन के होते हैं, ये फाइनली क्या होता है, फाइन लाइन से इसका एनक्लोज किया जाता है ब्लैक थ्रेड से, जो अपेरेंटली पावरफुल इफेक्ट देती है, और ये एक तरह का सिंबल है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का। क्रिस क्रॉस स्टिच भी इसमें की जाती है, जो एक तरह के क्रॉस स्टिच है, और ये टू टू स्टिचेस इसमें होते हैं जो इक्वल साइज और शेप के होते हैं, क्रॉस फॉर्म में होते हैं, और कुछ कुछ रुमाल्स में इसको बनाया जाता है। ये जो स्टिच है वो कंप्राइजेज अ रनिंग बैंड जो मोस्टली रेड कलर में होते हैं, और यूजुअली ये स्ट्रेट होते हैं, सर्कुलर लाइन होती है, और आइडेंटिकली विजिबल होते हैं बोथ साइड्स ऑफ फैब्रिक में। जैसे मैंने आपको पहले की स्लाइड में समझाया कि रिवर्सिबल फैब्रिक होता है तो दोनों साइड से ये विजिबल होता है। क्रिस क्रॉस स्टिच जो है वो नो लॉन्गर प्रैक्टिस अभी नहीं की जाती है, और ये कंटेम्पराइज फॉर्म में एम्ब्रॉयडरी आज के टाइम में इसकी हो रही है। मोटिव्स आप देख सकते हैं, राधा कृष्ण का मोटिव, स्टाइलाइज एनिमल मोटिव है, फ्लोरल मोटिव, लोटस मोटिव। मेनली जो मोटिव है वो नेचर से इंस्पायर्ड है। अब इसमें जो मोटिव यूज किए गए हैं वो एनिमल एंड बर्ड मोटिव्स हैं, ये आर यूजुअली अलोंग विथ ह्यूमन फिगर्स से अटैच करके इनको बनाया जाता है। बर्ड मोटिव्स में पैरट, पिकक, डक एंड स्वैन, एनिमल मोटिव्स में टाइगर्स, हॉर्सेस, रैम्स, ट्री मोटिव्स में साइप्रस एंड द प्लांटेशन ट्री बैंड, लेडन विथ टू फ्लावर्स एंड फ्रूट। मतलब जो ये कंपोजिशन क्रिएट की गई है वो बहुत ही सुंदरता से इसमें बनाया जाता है, और इस तरह से इसको कंपोज किया जाता है कि एक पूरा नेचर को आप डिजाइन में डिपिक्ट कर सकते हैं। मोटिव्स की बात करें तो देखिए स्लाइड में बूटी मोटिव है, नायिका मोटिव, एक नायिका फीमेल मोटिव है, फ्लोरल मोटिव्स है, गड्डी गड्डन मतलब कह सकते हैं गड्डी गड्डन मोटिव जो है वो मतलब जो शादी में दूल्हा दुल्हन होते थे उनको रेप्लीकेट करता है। स्टाइलिश फूल पत्ती मोटिव है, बॉर्डर डिजाइन आप देख सकते हैं, कृष्णा मोटिव है, फ्लोरल मोटिव है, स्टाइलाइज पैरट मोटिव है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और ये सारे जो मोटिव्स मैंने आपको स्लाइड में बताया है ये चारकोल से बनाए जाते हैं। प्रोसेस इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है, पहले थीम को विजुअलाइज किया जाता है, उसके बाद में आउटलाइन किया जाता है आर्टिस्ट के द्वारा चारकोल से, देन दो रुखा एम्ब्रॉयडरी से वुमेन फोक्स जो होती है, वुमेन्स जो होती है वो इसको बनाती है। देन आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडर डिजाइन कितने सुंदर हैं, पिकक मोटिव जो इतना अच्छी तरीके से फिल किया गया है कि डिजाइन को बहुत ही सुंदरता से ब्यूटिफाई कर रहा है। देन कृष्णा मोटिव फ्लावर के साथ कंपोज किया गया है, उसके बाद में आप देख सकते हैं एक फैब्रिक है जो फ्लावर कंपोजिशन के साथ सेंटर लाइन करके बनाया गया है। देन एक नायिका है जिसके इमोशंस को आप देख सकते हैं पेंटिंग में। अब ये डाइज मोटिव जो है इसका बहुत ही कॉमनली यूज मोटिव है, और जो पुराने एंशियंट टाइम से चला आ रहा है डाइज मोटिव, आज के टाइम में आप देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में कि किस तरीके से महाभारत में भी डाइज बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, तो यही एक तरह का डाइज मोटिव है। शायद मुझे इसको ज्यादा आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े। राधा कृष्ण मोटिव भी बहुत ही सुंदर होता है फैब्रिक पे, इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्लोरल मोटिव से स्टाइलाइज किए गए हैं।
उसके बाद में आप देख सकते हैं शिकारगा, मतलब शिकारी वाला जो व्यू है, जो जंगल का व्यू है, किस तरह से शिकार किया जाता है, वो शिकारगा व्यू इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में कृष्णा की रासलीला, रासलीला तो ज्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, बट हाँ, रासलीला का डिपिक्शन जो है वो कृष्णा और गोपियों के द्वारा सेंटर ऑफ द फैब्रिक में दिखाया गया है, और इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ही अच्छा फ्लोरल मोटिव से स्टाइलाइज किया गया है। देन अगेन एक क्लोथ है जिसपे बहुत ही सुंदर डांस फॉर्म में कृष्णा और गोपियां बताई गई हैं, और इसका जो बॉर्डर है बहुत ही सुंदर फूल की बूटियों से बनाए गए हैं। उसके बाद में करंट डिजाइन फैब्रिक और थ्रेड की बात करें तो चंबा रुमाल जो है वो उस जो बनाया जाता है वो सिल्क फैब्रिक पे बनाया जाता है ट्रेडिशनल मोटिव्स के साथ। करंटली जो रॉ मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं वो कॉटन, कॉटन मलमल सिल्क टेरिकोटन पॉलिस्टर फैब्रिक इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड यार्न दोनों ही एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज किए जाते हैं, जो चंबा रुमाल की ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से उभारती है, और ये क्लियरली विजिबल होती है कॉटन और मलमल के क्लोथ पे। जो अदर फैब्रिक्स जो यूज किए जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कॉटन का फैब्रिक यूज किया गया तो वो जो फैब्रिक कॉस्ट है उसको डाउन कर देता है, और फिर इससे क्या होता है, चंबा रुमाल लोकल मार्केट में सेल हो जाता है, क्योंकि सिल्क फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए लोकली कॉटन एंड मलमल भी यूज किया जाता है। पहाड़ी पेंटिंग चंबा में जो की जाती है वो उसका डिपिक्शन चंबा रुमाल पे एम्ब्रॉयडरी के द्वारा किया जाता है, और इसके जो जो इसकी रेंज होती है वो रिलीजियस थीम होती है, रिलीजियस थीम के द्वारा इसको डिपिक्ट किया जाता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग वैष्णव फर्वर का डिपिक्शन होता है पहाड़ी रीजन के। देन इसमें ग्रेट डिपिक्स ऑफ रामायणा महाभारता ये सारी चीजें इसमें चलती है, और कृष्णा जो है वो गोपियों से सराउंडेड होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड में आपको क्लोथ का सैंपल बताया था, और जो और जैसे ग्वाले भी होते हैं, ग्वालों का भी थीम होता है, गौशाला का भी थीम होता है, और कृष्णा गोपियों के साथ में गायों के साथ भी दिखाए जाते हैं, राधा कृष्ण का भी थीम होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉपुलर थीम्स है जो इस पेंटिंग में, पहाड़ी पेंटिंग में बनाए जाते हैं एम्ब्रॉयडरी के द्वारा। इम्पोर्टेंट वर्क जो है, मतलब ओल्डेस्ट रुमाल जो हमको इसमें मिला था वो 16th सेंचुरी के क्रिएशन से मानते हैं कि यार ये 16th सेंचुरी में मिला था, और ये किसने बनाया था, बेबे नानकी ने, जो गुरु नानक देव जी की सिस्टर थी और जो सिख समुदाय से बिलोंग करती थी, और जो इंडियन एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही परफेक्ट थी और बहुत ही डेलिकेट डिजाइन वो एम्ब्रॉयडर करती थी। ये गुरदासपुर पंजाब में रहती थी, और ये जो रुमाल है वो उन्होंने जो बनाया उसमें उन्होंने बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बनाया, और उन्होंने महाभारता को उसमें समझाया, फिर उन्होंने, और ये जो रुमाल मिला था 16th सेंचुरी में वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में इसको रिस्टोर किया गया, इसको वहां सहेजा गया। उसके बाद में 1833 में गोपाल सिंह जो राजा थे चंबा के, उन्होंने ये जो रुमाल है वो क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया था, और उन्होंने वहां लंदन में इसको प्रिजर्व किया था। आप देख सकते हैं कि कुछ बुक्स मैंने स्लाइड में मेंशन करी है जिसकी आप हेल्प लेके और भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। होप मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको, वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैं नेक्स्ट वीडियो स्लाइड्स के साथ, नई एम्ब्रॉयडरी और नई ट्रेडिशनल डिजाइन्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।